हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पे पर क्लिक की, यानी कि पीपीसी मॉडल की, और देखेंगे कि क्या होता है पीपीसी मॉडल, किस तरीके से ये काम करता है अलग अलग सर्च इंजन्स के ऊपर, और किस तरीके से पीपीसी मॉडल को यूज करके हम एड्स बनाते हैं अपने, जो कि हमारे सर्च इंजन में यूज होते हैं, जो कि हमारे सर्च इंजन में विजिबल होते हैं थ्रू सर्च इंजन मार्केटिंग। क्योंकि अभी अभी हम लोग आगे जो एडवर्ड्स के ऊपर सेशन क्रिएट करेंगे, एडवर्ड्स के ऊपर जो वीडियोस बनाएंगे, तो उसके लिए आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पीपीसी मॉडल क्या होता है, तब तब आप उसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि एडवर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं, या बिंग सेट किस तरीके से काम करते हैं, या जो दूसरे हमारे पीपीसी मॉडल को फॉलो करने वाले एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पे पर क्लिक? पे पर क्लिक और पीपीसी मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इन विच एडवर्टाइजर्स एक्योर कॉस्ट व्हेन यूजर्स क्लिक देयर एड्स। एडवर्टाइजर्स बिड ऑन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ अ क्लिक इन रिलेशन टू द कीवर्ड्स, प्लेटफॉर्म्स एंड ऑडियंस टाइप इन विच दे ओरिजिनेट। यानी कि किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करना और हम किस प्लेटफॉर्म से अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ऑडियंस को मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जिस टाइप का है हम उसी टाइप की ऑडियंस को टारगेट करेंगे। अगर हम स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी है तो हम उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जो यंग होंगे और जो स्पोर्ट्स शूज में इंटरेस्ट रखते होंगे। तो ये वाली बात हो गई हमारी ऑडियंस की। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म है, बिंग एड्स एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड थर्ड टर्म इज दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज है वो होती है हमारी कीवर्ड्स। क्योंकि जो पीपीसी मॉडल है, जो पे पर क्लिक मॉडल है, वो कंप्लीटली बेस्ड किस पे है? कीवर्ड पर है। यानी कि आपका एड तभी शो होगा जब कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड टाइप करेगा और आपने उस कीवर्ड के लिए अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है, तभी आपका ऐड वहां पर शो होने वाला है। इसको एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पर हम लोग चलते हैं, गूगल पर भी एक बार देख लेते हैं और बिंग पर भी एक बार देख लेते हैं, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर हम लोग एक बार गूगल का सर्च इंजन ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गूगल सर्च इंजन है और साथ ही साथ में यहाँ पर बिंग भी ओपन कर लेता हूँ एक नए टैब में। तो यहाँ पर दोनों सर्च इंजन हमारे खुल गए, एक है हमारा गूगल एंड सेकंड वन इज अवर बिंग। तो जैसे ही हम यहाँ पर टाइप करते हैं ऑनलाइन शूज शॉपिंग, तो अब ये पर्टिकुलर कीवर्ड है ऑनलाइन शूज शॉपिंग। तो इस कीवर्ड पर आप देखते हैं कि यहाँ पर लाइट इन द बॉक्स इनका ये एक एड शो हो रहा है। यहाँ पर madeinchina.com एक ये एड शो हो रहा है। अगर हम नीचे आए तो आप देखेंगे नीचे भी यहाँ पर तीन एड्स शो कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर ये शॉपिंग एड्स हैं। तो ये जितने भी एड्स हमको दिख रहे हैं ये सारे थ्रू पीपीसी मॉडल, यानी कि गूगल एड्स के थ्रू ये रन हो रहे हैं, और इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर ये वाला एड फायर हो रहा है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर ये वाला एड फायर हो रहा है। अब अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर snapdeal.com का एड है, अभी हम यहाँ बिंग में हम टाइप कर लेते हैं ऑनलाइन शूज शॉपिंग, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ एड्स दिख रहे हैं, ये सारे एड्स दिख रहे हैं। तो ये भी हमारे पीपीसी मॉडल के थ्रू है। यानी कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक सिंगल क्लिक करते हैं, तो जो भी एडवर्टाइजर है उसका क्या होगा, उसका कुछ अमाउंट कट जाएगा जितना उसने बिडिंग में लगा रखा होगा। तो इस तरीके से इन जनरल पीपीसी मॉडल्स काम करते हैं। तो जो तीन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, जो आप यहाँ पर देख सकते थे, जो तीन एलिमेंट्स की बात हो रही थी कीवर्ड्स, तो ये वाले हमारे कीवर्ड्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पे शूज को लेकर एक कीवर्ड टाइप किया था। देन हम बिंग वाले में गए थे तो हमने एक कीवर्ड टाइप किया था। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड वाला सेक्शन, और सेकेंड सेक्शन यहाँ पर क्या था, प्लेटफॉर्म्स। तो प्लेटफॉर्म्स हो गए, एक हमारा गूगल का सर्च इंजन हो गया जिसमें हम गूगल एड्स के थ्रू कर रहे हैं, देन बिंग का सर्च इंजन हो गया जिसमें हम बिंग एड्स के थ्रू कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स हो गया, एंड द ऑडियंस इज जो हम यूजर हैं। यानी तीन कंपोनेंट्स जो है पीपीसी में मॉडल में, जो तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, और तीनों आपस में रिलेशन में होते हैं, और जैसे ही क्लिक होता है तो जो एडवर्टाइजर है उसको पेमेंट करना होता है। अब पीपीसी के थ्रू हम किस तरीके की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, किस टाइप के गोल्स हम अपने कंप्लीट कर सकते हैं, किस टाइप के कैंपेन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो पहला है हमारा इंक्रीजिंग सेल्स, यानी कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट टाइप की है तो आप उसका एड यहाँ पर लगा सकते हैं, और जब वहां से क्लिक होगा तो आप उसको पीपीसी मॉडल के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, और आपकी जब कन्वर्जन हो जाएगा, आप जब सेल कर लेंगे तो आपका एक कन्वर्जन काउंट होगा। जनरेटिंग लीड्स कर सकते हैं, प्रमोटिंग ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, ये सारे अलग अलग टाइप के गोल्स हैं जिनको आप पीपीसी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। जब आप अपने ऐड को रन करेंगे तो वो पीपीसी मॉडल के थ्रू रन होगा, और इन सारे गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं।
यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पीपीसी मॉडल को फॉलो करने वाले दो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें से पहला है गूगल एड्स और सेकेंड वन इज बिंग एड्स। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो पीपीसी मॉडल को फॉलो करते हैं। तो गूगल एड्स क्या है, विच रन ऑन गूगल सर्च पार्टनर साइट्स एंड डिस्प्ले नेटवर्क साइट्स, यानी गूगल की जो दूसरी पार्टनर वेबसाइट्स हैं उन पर और जो उनके दूसरे डिस्प्ले वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये एड रन होगा, अगर जो भी आप एड बनाएंगे गूगल एड्स के थ्रू। गूगल एड इज द लार्जेस्ट पेपर क्लिक प्लेटफॉर्म। गूगल एड वॉज लॉन्च इन ईयर 2000। तो ईयर 2000 में अक्टूबर मंथ में गूगल एड्स को लॉन्च किया गया था। अगर हम बिंग एड्स की बात करें तो बिंग इज ऑल्सो अ पेपर क्लिक प्लेटफॉर्म विच इज वेरी सिमिलर टू द गूगल एड्स, बट इसके जो एड्स हैं वो आपको कहाँ पर दिखते हैं, बिंग पर दिखेंगे, बिंग सर्च इंजन पर, और जो दूसरे याहू के नेटवर्क्स हैं वहां पर दिखेंगे। द प्लेटफॉर्म ऑल्सो यूटिलाइजेज सर्च पार्टनर्स। बिंग एड इज प्राइमरी कीवर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग। एज ऑफ 2017 बिंग एड्स हैज 142 मिलियन यूनिक सर्चेज ऑन द बिंग नेटवर्क, यानी कि इसके पास भी काफी बड़ा ऑडियंस है। तो यहां पर भी अगर हम एड्स चलाते हैं थ्रू पीपीसी मॉडल तो आप देखेंगे कि यहां पर भी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि इनका भी काफी वास्ट नेटवर्क है। बट एज इफ नाउ आज की हम बात करें तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें डोमिनेट करने वाला जो प्लेटफॉर्म है दैट इज गूगल एड्स। आगे के वीडियोज में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पीपीसी मॉडल काम करता है, जो कि एक पे पर क्लिक मॉडल है, यानी एडवर्टाइजर को तभी पैसा देना है जब वहां पर उसका एड पर कुछ क्लिक होगा। जैसे ही यूजर आता है और उसके एड पर क्लिक करता है एडवर्टाइजर को कुछ पैसा देना होगा जो उसने बिडिंग में लगा रखा है। अब बिडिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाला हूं बिडिंग के कॉन्सेप्ट को, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि जो हमने यहां पर एक कीवर्ड हम टाइप करते हैं, जैसे यहां पर हमने ऑनलाइन शूज टाइप किया तो जो हमें रिजल्ट दिखा था इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर एड्स में हमारा अमेजोन का एड आ रहा है और ये दूसरा जो है हमारा zapmetasearch.com का एक एड आ रहा है और नीचे भी हमारे कुछ एड्स आ रहे थे। तो अब क्या यही दो लोग थे जिन्होंने अपने एड को डिजाइन कर रखा था इस कीवर्ड पे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने एड को डिजाइन किया होगा। तो क्या इन लोगों ने पैसा ज्यादा लगाया इसलिए इनका एड ऊपर आ रहा है, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के बिंग ने क्या किया कि इन लोगों के ऐड को ही यहाँ शो किया? तो बेसिकली यहाँ पर एक फाइट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्शन। तो जो टेक्निकल टर्म में यहाँ पर जो फाइट हो रही है उसको हम लोगों ने नाम दे रखा है ऑक्शन, कि किस तरीके से ये वाला जो कंपनी है और ये वाली कंपनी है ये इस कीवर्ड के लिए फाइट करते हैं, ऑक्शन करते हैं। और ऑक्शन में उनके पास होता क्या है, ऑक्शन में उनके पास होता है अपना एक पेज जिसकी वो क्वालिटी लेकर जाते हैं कि भाई हमारा जो वेब पेज है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और दूसरा इनके पास होता है पैसा। इन दोनों चीजों को लेकर ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद अपने कुछ सेट पैरामीटर्स के ऊपर बिंग इनको जज करता है और फिर यहां पर इनको रैंकिंग देता है। और जब कोई यूजर आता है और इस पे क्लिक करता है तो एडवर्टाइजर को जो उसने बिडिंग कर रखी होती है उसके हिसाब से पैसा देना होता है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था पीपीसी मॉडल को लेकर। आगे एक दो वीडियोस हम लोग और बनाएंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे, जैसे कि ऑप्शन से, ताकि आपको बहुत इन डेप्थ ये पीपीसी मॉडल की थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये समझ में आने लगे, ताकि जब भी हम आगे जो गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पर थोड़ा बहुत काम करेंगे वहां पर जो है सर्च एड्स या डिस्प्ले एड बनाना सीखेंगे तो आपको ये चीजें हेल्प करने वाली हैं। तो गाइज ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन पीपीसी को लेकर। गाइज आगे के भी वीडियोज आने वाले हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज हम बनाने वाले हैं उनके अपडेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।